পিপড়া মথা দলের কর্মী সমর্থকদের সাথে মিলে বুধবার সকাল থেকে তেলিয়ামুড়া থানাধীন হাতাই কদরে আমরণ অনশন শুরু করেছিলেন দলের সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে পুনরায় ক্ষমতার আসার আগে জনজাতিদের জন্য বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দিলেও তার কিছুই পূরণ হয়নি বলে আগে অভিযোগ জানিয়েছিলেন পিপড়া মথা দলের সভাপতি বিজয় রাঙ্খল। কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে আলোচনার পরেও কোনো সুরাহা না হওয়ায় 28 ফেব্রুয়ারি বুধবার থেকে আমরণ অনশনে বসার ঘোষণা করেছিলেন তারা। সেই মোতাবেক রাজবাড়ির দীর্ঘ প্রাচীন মঙ্গলচণ্ডীর মন্দিরে পুজো দিয়েই হাতাই কদরে অনশন শুরু করেন দলের সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। অনশনে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন দলের তাবড় তাবড় নেতৃত্বরা। আচমকাই কেন্দ্রীয় সরকারের ফোন আসে দিল্লির থেকে। ফোন পেয়ে বুধবার দুপুরে নয়াদিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন বুবাগরা। তার আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানালেন, কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে লিখিত আকারে সাংবিধানিক সমাধানের আশ্বাস পেলে আমরণ অনশন বন্ধ করে দেবেন তারা। সমস্যার পাকাপাকি সমাধান না হলে দিল্লির থেকে ফের অনশন মঞ্চে ফিরে আসবেন প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। এর পাশাপাশি বুবাগরা এও জানান, বাংলাদেশিদের নিয়ে কোনো সমস্যা নেই তিপ্রাসাদের। জনজাতিদের উপেক্ষা করে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়া অসম্ভব, তাই জনজাতিদের স্বার্থটুকু অর্থাৎ তাদের ভাষার অধিকার, তাদের জমির অধিকার রক্ষা করতে চায় তিপ্রা মথা। মুঝে দিল্লি বুলায়া গয়া, মে দিল্লি যাও আর আপনি লোগো কা জো বাত হে মে ও সামনে রাখুঙ্গা, उसके बाद देखते क्या होगा। वो किसने बुलाया आपको सर दिल्ली में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स ने बुलाया है और मैंने भी टाइम मांगा था और जब मैं बात कर रहा था तो वहीं से फ़ोन आया कि आप प्लीज़ हंगर स्ट्राइक अभी मत कीजिए, दिल्ली आइए, हम लोग बात करेंगे और एक इसका सोल्यूशन निकाले। अभी क्या बंद हो गए, चले गए स्ट्राइक या नहीं? हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं जब तक राइटिंग में कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग जो गलती किसी और ने किया था इससे पहले, वो गलती हम लोग नहीं करेंगे। हमारा मंच जहाँ में है वो वहीं में रहेगा, हमारे YTF के वॉरियर्स वहीं में रहेंगे, लेकिन क्राउड को हमने कहा कि घर जाइए शांति से, और अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया तो वहीं में हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे, और अगर भगवान ना करे अगर कुछ चीज़ नहीं हुआ ठीक से तो मैं वहीं जाकर वापस बैठ जाऊँगा। लेकिन ये मेरा एक कमिटमेंट है कि जब तक हम लोग राइटिंग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन का कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, हम अपने लोगों को धोखा नहीं दे सकते। सेकंड चीज़ है, आप लोग नॉन तिपरासा मीडिया से हैं, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि हम लोग खिलाफ़ नहीं है कि जो भी बांग्लादेश से आए हैं, क्योंकि हम लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं कि वहाँ में क्या अत्याचार हुआ, और कोई किसी को बाहर फेंकने के बारे में बात नहीं कर रहे। हम बोल रहे हैं कि ADC में जो हम लोगों का ज़मीन है और जो गांव है ADC से बाहर जहाँ में तिपरासा लोग रहते हैं, उनको एक प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, उनको उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिलना चाहिए। किसी का संवैधानिक राइट हम छीनना नहीं चाहते, लेकिन हम एम्पावर करना चाहते हैं हमारे लोगों का राइट्स को, स्पेशली लैंड, स्पेशली फंडिंग, स्पेशली पॉलिटिकल राइट्स, लेजिस्लेटिव राइट्स, इसमें हम एनहांसमेंट चाहते हैं, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बहुत कम है और अगर हम लोग आज अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो फ्यूचर में हमारा नेक्स्ट जनरेशन को कष्ट होगा। इसके लिए आई अपील टू ऑल ऑफ यू ऑल कि जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जाता है वो आप उसको हटाइए, क्योंकि हम लोग वो पार्टी नहीं है जिसने अभी तक वायलेंस में कभी इंडल्ज किया है, और मैं कभी भी त्रिपुरा में वायलेंस नहीं देखना चाहता। लेकिन अगर हमने ऑनेस्टली अपने लोगों के लिए बात किया तो इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी को नफरत करते, और मेरा बात कहना बहुत सिंपल है, किसी के घर में चूल्हा को आप बंद करोगे तो अपने घर में चूल्हा नहीं आएगा। किसी के घर में चूल्हा जलता है तो हमारे घर में भी जलना चाहिए, हम वही मांग रहे हैं। हम नहीं बोल रहे कि उनका चूल्हा छीन कर हमें दे दो, यही मेरा मैसेज है। प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट कीजिए, अगर आज तिपरासा उठेगा तो पूरा त्रिपुरा भी उठेगा। জনজাতিদের অধিকারের দাবি নিয়ে দিল্লি গেলেন প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। এখন এটাই দেখার, কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে তার এই বৈঠক সফল হয় কিনা। ব্যুরো রিপোর্ট, আর ইনিউজ।